नहीं नहीं बुखारी साहब, आपने कहा है कि मौलाना ने उनको जहन्नमी कहा है, कि आपने सुना है? नहीं नहीं देखिए माफ कीजिएगा, वो मैं भी कितना मैंने कहा था ये कहा नहीं, मतलब उनकी सियासत के बारे में मौलाना ने इख्तलाफ जरूर किया है, लेकिन इतनी बड़ी बात मौलाना ने कभी नहीं कही। ना ना, मैं उनके बेटे के बारे में भी नहीं कहता, जान नहीं कहने का मुझे क्या। वो कह रहे मेरे से सामान निकल और निकल गया, मैं क्लियर होना चाहिए, लोग मेरे मेरे हालत है। ठीक है, तो ऐसा है कि आप चलो थोड़ी सी बात किया करें, मैं सारी वक्त और समझाता हूँ आप क्या कह रहे थे। ये सूरह हसन जो है ना रज़ी अल्लाह तआला, इस पर जो मेरा पूरा लेक्चर है कि आपने क्यों की और क्या हालात थे और किस लिए की, वो आप सुन लें बिल्कुल सही हो जाएगी। सदियों से लोग गुमराह कर रहे हैं कि हसन ने खिलाफत छोड़ दी इसलिए ये खलीफा बन गए। नहीं, मुल्ला अली खारी कहता जिसने आदान ने भी कहा कि हसन के दस्तबरदारों से माविया खलीफा हो, गलत कहता। इसे पाक में आया कि बादशाह है और बादशाह भी दारण मालिक मलिक अजूज का उन्होंने हसन की जो है ना छोड़ना कोई उन्होंने प्लेट पर रखे नहीं थी, पहाड़ों जैसे रख कर खड़े थे। हसन तो ढंग के लिए गए थे, मगर जब इन्होंने रिश्वत दे दी उनके कमांडरों को और झूठी अफवाह फैला दी कि कैस तो कतल हो गया कमांडर ने की, लश्कर में गड़बड़ पड़ गई। अब हसन कैतल हो जाते फिर तुम खुश होते? उन्होंने देखा कि ठीक है, उन्होंने फरमाया कि 30 साल बाद आलम बाद से हवाले करो और साथ ही तोल खोल जाए कि जो ये कहता मैं हजरत उस्मान के खून का बदला लेना चाहता हूँ। और इसी से इसने लोगों की आंखों में धूल झोंक दी है, लोग समझ नहीं सके और सारे कहते हैं वाकई यार ठीक है, उसके चाचा का बेटा कत हुआ, ये फरार खत्म, इसको फ्री हैंड दो, फिर पता लगे कि साथ लिया 20 साल हुकूमत की साथ किसी से नहीं लिया, बल्कि हजरत उस्मान की बेटी फातिमा रोई जब मदीना गया उसने चाचा जिस बात पर तुमने साथ खड़े की और बाप उसका नाम ही कहने लगा आराम से बैठ, अब भी लोग अगर मुझ पर मेरे मुखी हुए हैं तो दिल से सब नाराज, मुझे पता मेरी हुकूमत को नहीं पसंद कर, तुम नए से ऐसे पता शुरू करना था सिर्फ हुकूमत थी नहीं बताए सहाबा के होते माजर अंसार के अगर नाम ही कुछ होता माविया का अंसर हक मानता था खलीफा बन गए। अगर तुम्हें रजी ने कहा जो मक्का के मौका पर जिन्हें माफी मिली है तरीक, ये उनके बेटे आगे उनके बेटे तीन पुश्तों का इस्लामी खिलाफ में कोई हाथ, ये तो बदकिस्मती से बेवकूफ बना दिया मत, तुम हाजर अंसार बैठे रह गए, एक शख्स ने खून का ड्रामा रखा तो जबरदस्ती कर असल ने तो फिर इसलिए हुकूमत छोड़ी कि अगर ना छोड़ू तो यही कहेंगे यार उसका मुतालबा किसास का था, पर्दा हटा हो और बाद में 20 साल में आप सुन लें जो फिर इसने किया, हज के साथ हज मतों पर मारना शुरू किया, नस्से कुरान और रसूलुल्लाह ने बड़ी मुश्किल से जारी किया, घोड़े बरसने मतों पर ज़कात खानी शुरू कर दी और लोग सहाबा से जाकर कीखे जो इसके दौर में मरे साहब कि दे बैतुल मल को दे गई रहा सुल्तान क्या कर, उन्होंने कहा यार तुम हवाले करो तुम बड़ी हो जाओगे, ये बोलता है नमाज के अवकात इस तरह तब्दील हुए कि लोग दो दांत दो होंठों में दबाने लगे रुपये में बाकी हजूर ने बता दे यार ऐसे हाकम साकी दो बेबक्तन वाले, ये ज़ियाद का पढ़ इसके गवर्नर का सारे गवर्नर आप खुदा के लिए हदीस का दफ्तर कंगाल है, ये मसला हजरत मुआविया की जात का नहीं, बिल्कुल आपका निजाम इस्लाम का हजूर कर देते बात, इसमें मैं कभी नहीं अफवाह करूंगा ना छुपाऊंगा ना दोस्त की ना कुछ जाननी कोई बात नहीं सही, मगर इस्लाम को नुकसान थे और ऐसा पहुंचा आज तक फिर खिलाफ नसीब नहीं हुई, डॉक्टर सराफ साहब को क्या पले पड़ा, मैं 2-3 मरतबा मिला हूँ कोई शेख उदा की नहीं आई, मैंने कहा सही हदीसों के खिलाफ तुम इनका दिफा करते, भाई दोस्त ही कौन कहता है जाननी कौन कह रहा है, हम तो बाद में ना लायक जिन्होंने हरम शरीफ में नमाजें की शराबें की उनको भी नहीं कहते दोस्त, उदाहरण ही को नहीं किया मगर हकायक ना।
इंशाल्लाह हर हफ्ते हम बैठते हैं। खुदा के लिए ना मेरे सारे खुतबे पहले सुने सुने, हसन भी आ जाएगी सारा कुछ। और हसन का एक मैं बता दूं रजन, उससे ही सारा फैसला हो गया कि जब अमर इब्न अल-आस ने इजाजत से मुआविया के दस्ते रात, उन्होंने कहा मुआविया ये हसन तकरीर नहीं कर सकता, इसको खुतबा देने के लिए कहो। जब उन्होंने हुकूमत हवाले कर दिया, इसका पोल पड़ जाएगा कि ये खिलाफत क्या है, तो बात भी नहीं कर सकती। तो हजरत हसन मिंबर पर चढ़े, उन्होंने जो खुतबा दिया वो सब किताबों से निकाल कर दिया। उन्होंने कहा अल्लाह ने हमारे पहले के जरिए लोगों से हिदायत दी रसूलुल्लाह की बात, और मैं आखिरी हूँ उनका जो खिलाफत छोड़ रहा हूँ। अगर मुआविया का हक था तो उसको हक मिल गया, अगर मेरा था तो मैं उम्मत को कौन से बचाने के लिए छोड़ दिया। और आखिर में इशारा करके उंगली करके कहा वह नादरी मैं नहीं जानता ये तुम्हारे लिए कितना अल्लाह ने पैदा कर दिया। मुआविया की तरफ उंगली, तो मुआविया ने फिर अमर तलाब से कहा यार यही सुनाना था, फुलम फुला उसने कह दिया कि कितना अहमद के लिए ये टुकड़ा नहीं सुना। हर हदीस की किताब में ये ना उनका खुतबा कि मैं नहीं जानता कि तुम्हारे लिए बला अल्लाह ने नाजर कर दिया, कहने लगा मैं यही सुनवाना था। इसलिए छुपाओ ना बुखारी साहब कुछ भी जो जुल्म उम्मत के साथ हो चुका, तुम क्यों दिफा इन लोगों को करते हो, मामला अल्लाह के सुपुर्द करो। चलिए बहुत शुक्रिया आसिफ भाई आपका, ठीक है भाई। एक बात मेरे भाई अली हुसैन ने भेजी, खुदा से एक कागजा के अली हुसैन तुम भी सुन लो, फैसला कौन बात यह है कि सहाबी कौन है, जो सहाबी होगा उसके बारे में जो बुरा कह बाकी होता है। अच्छा यही रोकते हैं मौलाना, सहाबी की तारीफ सारी उम्र ये करती है कि जो शख्स ईमान लाया उस हालत में उसने हुजूर को देखा और उसी पर मारा, शर्त है ईमान की। अब ईमान मुबशर साहब और सारी दुनिया मुझे बता दे ईमान नबी जानता कि ये ईमान लाया, अल्लाह तो साफ कहता कि तू नहीं जानता। ला तालमुन मदीना में इर्द गिर्द लोग हैं इनमें पक्के मुनाफिक हैं जिनको नबी तू नहीं जानता, वो साथ रहे नबी ईमान बातन की जाए इस्लाम। इसीलिए कुछ लोगों ने कहा ईमान लाए सूरह हुजरात में, अल्लाह ने कहा ये कहो इस्लाम लाए, ईमान नहीं तुम्हारे दिलों में दाखिल, ये साफ कह हुजूर के माने के लोग कि ये कहो इस्लाम लाए। इस्लाम क्या जो लोगों को नजर आता, नमाज पढ़ रहा कलमा पढ़ रहा, ये मुनाफिक भी करते हैं जरिक कर, ये सब को नजर आता। ईमान बातन की जाए, हम नहीं खुदा के बंदो जानते कौन दिल से ईमान लाए, किसी के बारे में वाज़ है वो नजर, वरना उम्मीद ही उम्मीद है कि ये मोमिन होंगे। कोई पता नहीं हौज़े कौसर के मिसाल की ना हो जाए, ये कड़वी बात है कि मैं हौज़े पर होऊंगा मेरे सहाबा की जमात आएगी, मैं उन आ रहे पाऊंगा यार वो मुझे पहचान नहीं है, मैं उन्हें पहचान जाने पहचान सुन मई बार बहन बहन फिर मेरे उनके दरम्यान पर्दा हो जाएगा, मैं अर्ज करूंगा अल्लाह किधर ध्यान, आप कहेंगे आओ भाई साहब ये तो मेरे साहब, अल्लाह कह गए ना तो ला तदरी आप नहीं जानते आपके बाद इन्होंने क्या कर तुम किए। फिर आपने फरमाया मैं ईसा अलैहिस्सलाम वाली बात कहूंगा कि जब तक मैं इनमें था मैं इनके हालात से बाखबर था जब तक नहीं था, इसलिए भाई सहाबी होना साबित हो जाए गैब की खबर मिल जाए फिर बुरा कह शिया मैं आप सब पता रहा, मगर इसका फैसला कौन करे कि अंदर से ही मान आई। नबी अलैहिस्सलाम से हदीसों में आता लोग कहते थे आपके जमाने के लोग के फलां बंदा जो है ना अल्लाह के रसूल उसको कदर करे, आपने घुमाया वो गवाही नहीं देता कि अल्लाह एक है मोहम्मद अल्लाह के रसूल ने कहा, वो कहने लगा सहाबी कहता बला बला खालसा वो पढ़ता कर्मा था मगर उसके करने का कोई प्रभाव नहीं, आपने कहा नमाज नहीं पढ़ता कर्मा पढ़ता है मगर उसकी नमाज का कोई प्रभाव नहीं, आपने कहा नमाज बात तो जाहिर में दो काम करता ना इनको कत्ल करने से अल्लाह ने मुझे रोका है मामला अल्लाह के को अंदर से वो क्या ये कह, ये ऐसी बात होगी जो एटम बम है, ईमान का पता दो खुदा से पता करा कि अंदर से ईमान रखो, बाकी जो आम वसूली बात है ना जो ईमान आया नेक अमल ये कुलिये के बयान होते हैं, अब कौन ईमान लाया नेक अमल इसका फैसला तो क्या उनको सबके लिए आता इन्नल्लज़ीना आमनू वअमिलुस सालिहात, बल्कि रज़ी अल्लाह अन्हुम आया सूरह बय्यिना में कि जो लोग ईमान लाया नेक अमल के उलाएकुम खैरुल बरिया, ये सबसे बेहतर मखलूक है इनका बदला जन्नत है जिसमें ये हमेशा रहेंगे।
अल्लाह इनसे राजी हो गया, ये सारे ही माता होंगी, मगर इसमें याद पर उतरेगा कौन कि ईमान और नेक अमल, ये तो क़यामत के दिन निशान बताए। अल्लाह ने फिरिश्ते ही जारी की कि ये बंदे उसूल बयान किया जो ईमान लाए हजरत की। आप देख रहे हैं जो आदमी हजरत करके मदीना आया महाजर में क्या सहाबी था, हजूर ने जो खुतबा दिया जो हम शुरू में पढ़ते हैं कि नीयत पर हम लोग का दारंदा, वो उसके बारे में लिया आपने बोला जिसने हिजरत की अल्लाह रसूल की खातर, उसकी अल्लाह रसूल की खातर हिजरत से मारो। जिसने औरत के लिए किया कि निकाह करूं या दुनिया लेने के लिए, उसने जिस हिजरत से किए वही वो औरत के लिए आया। मुहादरे में क्या सी था उसमें क्या का आशिक था, वो औरत आ गई, ये भी आ गई हजूर के दौर की बात, आपने खुतबा दे दिया। इसलिए भाई मामला गोल मोल रहने दो कि जो सच्चे मुखलिस निकलेंगे बिस्मिल्लाह हमारे सर के साथ, जो मुनाफिक नहीं अल्लाह मुझसेगा। ये जाहिरी बातें जो है ना कि कुरान ने अपने ऊपर चादर हुजूर की कफन के वक्त ली थी, बाल लिए थे, कुछ नहीं। अब्दुल्ला बिन उबै से ज्यादा किसको पहनाया गया था, कुश्ता आपने पहनाया, अल्लाह मुबारक उसके मुंह में डाला है, उसके लिए बख्शी की जुआली साफ जवाब आ गया नहीं अल्लाह ने कहा मैंने तो ज्यादा ना कुरेदे बस इस मौजू को ये छोड़ते हैं। बात इतनी वादे हो चुकी है मेरी तरफ क्या नए नए सवाल नारी हुसैन करे ना बुखारी आप करें पिछले खुबे सोने सब मौजूद तो ना बिल्कुल क्लियर हो। ठीक जजाकुम फरमाया कि इमाम जलालुद्दीन सयूती ने अपनी किताब तारीकुल खुलफा के अंदर ये बात लिखी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में देखा कि उनके मिंबर पर बंदर नाच रहे हैं, और जब ये ख्वाब देखा तो उसके बाद अल्लाह के नबी कभी मुस्कराए नहीं कभी हंसे नहीं, क्या रिवायत या तारीखी एतबार से ये बात दुरुस्त है? तारीफों पर बात है नाम दलाल सिंह सिलसिल अंतराला की ऐसी है कुछ आपने इस्तेमाल नहीं जो मेरा लिखे, मगर ये बात जो ना ये हदीस है ये सिर्फ तारीफों पर बात है जो सिलसिला तो लगा दी जो सैया ना वहाँ पानी का जी जी उसमें क्या लिखा है? उसमें ये रिवायत लेकर कि आपने कहा मेरे मेंबर पर अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह और इसके बाद आप बताओ गंभीर हो गए ये बता रहा हूँ ऑनलाइन सर आपको सदमा हुआ कि आपने फरमाया कि जो बंदर वाली रिवायत है सिलसिला तो अहादीस सहीहा के हवाले से आपने उसमें नहीं आया कि रसूल करीम अलैहि सलाम ने ख्वाब में देखा उसके पन्नों में गया गया मेरे मेंबरों पर इतना नाच का अफरन इतना बंदर लफ्ज बनो मैया है बनो ठीक ठीक गुजरे तो उसके बाद फिर आप ना मजमूम हो गए जब तक फिर इस दुनिया में रहना आपको अनसे वर्ग यानी ये रिवायत भी दुरुस्त है और नाम भी जो आप ले रहे हैं जिस ग्रोह का वो सही है फिर अगर हवाला दरकार होगा ना फिर मस्जिद में क्या है वहाँ सारा फैक्टर ठीक है ठीक है ठीक आप देंगे ठीक है तो दूर गंभीर ये तख्ता उठ जाएगा जिनकी वजह से इस्लाम का अरब आया वो नीचे चले जाएंगे माजर अनुसार और ये मक्का फतह होने पर जिन्हें माफी मिली या सारी उम्र मुसाफत करते रहे हजूर की ये गल पा जाए बात तो सदमे की चले ठीक है। मौलाना ने एक रिवायत के हवाले से आपसे इस्तफसार किया है लेकिन ये इन्होंने भी हाशिया पर लिख दिया फुकहा ने कहा कि ये गोया नस है खुलफाए अरबा के बरसरे हक होने की उनकी जात ने अल्लाह का वादा इस्तेमाल पूरा हो सका चार तरीके अलबत् अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु इस उम्रा में शामिल नहीं क्योंकि वो नुज़ूल वक़्त तक ईमान नहीं लाए थे और नस में उनकी जान पर इशारा नहीं आगे अरबी बात भी लिखी है वला यदखुलु फी मुआविया लिअन्नहु लम यकुन मुमिनन फी ज़ालिका जब ये आयत उतरी है उस वक्त ये मौलाना जिस किताब से इक्तिबास पढ़ रहे थे ये एक मायानाज उर्दू की तफसीर है तफसीर माजिदी इसका नाम है मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी रहमतुल्लाह अलैह की ये तफसीर है जिसे मौलाना ये जुमले आपको पढ़ के सुना रहे थे अगर किसी भाई को जरूरत हो तो सूरह नूर की आयत नंबर 55 के ज़िमन के अंदर ये बात लिखी हुई है यानी मौलाना अपनी तरफ से बात नहीं कर रहे उसका बाकायदा एक हवाला है मौलाना एक रिवायत के हवाले